पर वरदा ने उसे नहीं मारा। मैं बस इतना याद रखना, वहां फ्रेंड्स बनाए क्या? दारू है क्या? तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत। मैंने कहा था ना छूना नहीं। दोस्तों, बाहुबली 2 के बाद सुपरस्टार प्रभास के कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम है सालार, और ये मूवी अपना ब्रेक इवन हासिल करने से और सुपरहिट मूवी का टैग लेने से बस 2 कदम दूर है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर फर्जी कलेक्शन को लेकर अफवाहें चल रही हैं, उसको लेकर सालार मूवी के डायरेक्टर यानी प्रशांत नील ने खुलकर बात की है और सालार मूवी के फेक कलेक्शन के पीछे की सच्चाई भी बता दी है। इसके अलावा अगर आपने सालार मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो ये मूवी OTT पर किस दिन रिलीज होगी, TV और YouTube पर कहां पर देखने को मिलेगी, सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साउथ की नई नई मूवी हिंदी डब में देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा साउथ की एक नई मूवी हिंदी डब में रिलीज हो चुकी है जिसको आप अभी अपने मोबाइल में देख सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों, सालार जिसने अपने शुरुआती 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड 566 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन जबकि 309 करोड़ का शेयर कलेक्शन कर चुकी है और अब इस मूवी को सुपरहिट होने के लिए मात्र 37 करोड़ का शेयर कलेक्शन और करना है और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सालार मूवी अपना ब्रेक इवन हासिल कर लेगी। वहीं दूसरी तरफ जब सालार मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील से एक इंटरव्यू के दौरान ये सवाल किया गया कि जो सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से खबरें चल रही हैं, वायरल हो रही हैं कि सालार मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्जी हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी खबरें चल रही हैं कि डंकी मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फर्जी हैं, इस पर आपका क्या कहना है और आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? तो प्रशांत नील ने इन सभी खबरों का खंडन किया है और बताया है कि शायद अगर इन दोनों मूवीज का क्लैश नहीं होता तो इस तरह की न्यूज हमें सुनने को नहीं मिलती और एक दूसरे के फैंस भावनाओं में बह जाते हैं तभी वो ऐसा काम करते हैं। जहां तक फर्जी कलेक्शन का सवाल है तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है कि क्या फर्जी कलेक्शन है, क्या रियल कलेक्शन है, जनता को आप किसी तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते। और अगर बात करें सालार मूवी के OTT रिलीज की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से किस किस ने सालार मूवी को अभी तक देखा है और किस किस ने नहीं देखा है। जिसने देख लिया है वो लोग सालार मूवी को 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर बात करें सालार मूवी के OTT रिलीज की तो खबरों की माने तो सालार मूवी आपको 26 जनवरी को OTT पर देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी की जो कि हिंदी डब्ड में रिलीज हो चुकी है तो ये एक मिस्ट्री ड्रामा मूवी है जिसका नाम है पार्किंग और ये मूवी हिंदी डब्ड में डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल हो चुकी है।